मसाले की शक्ल देखो, देखने में एकदम ऐसे लग रही है जैसे हम घर में चिकन मटन मसाला बनाते हैं ना। तो भाई हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब इसमें डाल रहे हैं छोले जो कि पहले से उबाल रखे थे। तो भाई ये देखो यहाँ पे हमारा छोले मसाला बन के रेडी है हलवाई स्टाइल में। इसके ऊपर भैया अब ये गार्निशिंग कर रहे हैं थोड़ा धनिए की। और ये देखो, तो भाई ये देख लो यहाँ पर इन्होंने लिया है 2.5 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज। नए तरीके से बता रहे हैं, जैसे पहले बताते थे फ्राई करना होता था इनको तेल में, वैसे नहीं कर रहे, आज कुकर में कर रहे हैं। और 2 सीटी लगानी है, 2 सीटी के बाद ये डन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिया है इन्होंने 2.5 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज, और इसमें काफ़ी सारी रेसिपी बनने वाली है। तो जब वो बनेंगी तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि हर एक आइटम में कितना कितना क्वांटिटी में ये यूज़ करना है। तो चलिए इसमें आने देते हैं 2 सीटी, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो भाई ये देखो यहाँ पर हमारे टमाटर और ये प्याज उबल चुके हैं गैस में, जो आपको सीटी लगानी थी कुकर में, 2 सीटी लगानी थी। और मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें आपको 1 गिलास पानी डालना है। तो ये देखो अब ये रेडी हो चुका है, अब देखेंगे इसकी कैसे ग्रेवी बन रही है और क्या क्या मसाले उसमें मिलाएंगे। तो जो प्रेशर कुकर में हमने प्याज और टमाटर बॉईल करे थे, उसको बॉईल करने के बाद आपने मिक्सी में पीस देना है और पानी वगैरह कुछ उसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि प्याज और टमाटर दोनों पानी छोड़ते हैं। तो पीसने के बाद इतना आपको रखना है, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है, इसी से सारी ग्रेवी बनेगी। और क्वांटिटी देखेंगे कितनी क्वांटिटी में ये वाला पेस्ट इसका यूज़ होने वाला है। तो भाई अब यहाँ पे बनने जा रहा है छोले मसाला, वो भी हलवाई स्टाइल में। रामकुमार भैया बना रहे हैं अपने स्टाइल से, बोला एक नए स्टाइल से बनाना सिखाऊंगा तुम्हें छोले मसाला। तो उसकी रेसिपी देख लेते हैं कैसे ये बनाएंगे घर के स्टाइल, घर के स्टाइल से, हलवाई वाले, हलवाई वालों के घर में कैसे बनता है उस स्टाइल से। तो यहाँ पे 200 ग्राम तेल लिया है और इसमें डाला है भैया ने अजवाइन। अजवाइन कितना होगा भैया ये? 1 चम्मच। 1 चम्मच अजवाइन है ये, 200 ग्राम तेल था और 1 चम्मच अजवाइन था। और फिर इसमें ये डाल रहे हैं हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, तीनों आपको सेम क्वांटिटी में लेना है। आधी करछी इन्होंने लिया है, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ मैं, बहुत छींटे आते हैं इसके। ये देखो ये इन्होंने यहाँ पे ये डाल दिया है, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम धनिया पाउडर, हींग डाल रहे हैं इसमें ये 2 चुटकी भैया, 2 चुटकी डाली है उन्होंने हींग। कसूरी मेथी, कसूरी मेथी आधा मुट्ठी, जीरा भुना हुआ, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच। और ये भी एक आधे किलो छोले के हिसाब से बन रहा है। हाँ जी। 1 चम्मच नमक डाला है इन्होंने, अमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर हो गया है बड़ा चम्मच, चना मसाला, ये आपका चना मसाला, छोले मसाला जो मर्जी कह लो। अब इसको मिला रहे हैं अच्छे से, और ये आधा किलो छोलों के हिसाब से ये मसाला बन रहा है, छोले मसाला की रेसिपी है ये। और यहाँ पे ये 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधी चम्मच और डालिए, 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाली है इन्होंने यहाँ पर। ये देख लो मसाला इसका थोड़ा आपको ड्राई लग रहा होगा, क्योंकि ये ड्राई वाले बन रहे हैं, छोले मसाला बन रहा है, जैसे हम घर में बनाते हैं तरी वाले, ग्रेवी वाले, वो वाला नहीं बना रहे, थोड़ा ड्राई ही रखेंगे इसको। और ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा पानी डाला इसमें, पानी कितना होगा भैया ये? 100 ग्राम, 100 ग्राम पानी डाला इसमें। मसाला देखो दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम ब्राउन ब्राउन, मसाले की शक्ल देखो, देखने में एकदम ऐसे लग रही है जैसे हम घर में चिकन मटन मसाला बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कलर इसका आ रहा है। और ये इसमें डाला है इन्होंने प्याज और टमाटर का पेस्ट, जितना आपको टमाटर लेना है उसका हाफ आपको प्याज लेना है, उसको उबाल लेना है, कुकर में उबालो या आप पतीले में उबालो, और फिर उसको पीस देना है मिक्सी में। जितना टमाटर लेना है उसका हाफ आपको प्याज रखना है। और 3 करछी लिया था भैया ये, 3 करछी इन्होंने यहाँ पे प्याज टमाटर का पेस्ट लिया था। इसके छींटे आ रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ मैं, पकने देते हैं 2 मिनट तक। कितनी देर तक पकेगा भैया? अभी 2 मिनट तक अभी इसे पकने देते हैं, उसके बाद इसमें कुछ और ऐड करेंगे भैया, पकने के बाद छोले डालेंगे, उसके बाद इसमें ये छोले डालेंगे पकने के बाद। 2 मिनट तक इसे पकने देते हैं, छोले डालने के बाद देखेंगे इसमें अब हम और क्या डालेंगे। तो भाई हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब इसमें डाल रहे हैं छोले जो कि पहले से उबाल रखे थे। और छोले उबालने से पहले आपको इनको पहले पूरी रात भिगो कर रखना है, ये तो पता ही होगा यार, घर में सभी छोले बनाते हैं, पूरी रात भिगोने के बाद इन्हें उबालना है और फिर जो मसाला रेडी करा था उसमें मिला देना है। और अभी देखो अभी ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा इसकी ग्रेवी जो होगी उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। और उसके बाद मैं आपको फाइनल दिखाऊंगा दिखने में कैसा लग रहा है, थोड़ा धूप की वजह से
इसकी ये देखो अब दिख रहा होगा आपको बिल्कुल इसका कलर कैसा आ रहा है, जैसे रियल में कलर है ना वैसे ही दिख रहा है। यहाँ से आपको सही से दिख नहीं रहा होगा ये, तो भैया ने ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाला है। इसको 2 मिनट तक पकने देते हैं, 2 मिनट पकने के बाद मैं आपको फाइनल दिखाऊंगा, फाइनल दिखने में ये कैसा लग रहा है। तो भाई ये देखो यहाँ पे हमारा छोले मसाला बनके रेडी है हलवाई स्टाइल में। इसके ऊपर भैया अब ये गार्निशिंग कर रहे हैं थोड़ा धनिया की, और ये देखो दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। ये देखो थिकनेस देख लो इसकी, थोड़ी गाढ़ी रखी है, घर वाली नहीं रखी है जैसे घर में हम खाते हैं, वो तो ग्रेवी वाला होता है पतला, ये थोड़ा गाढ़ा रखा हुआ है जैसे पूड़ी या नान वगैरह के साथ खाते हैं उस तरीके से इसको बनाया है। तो चलो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।